टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास सुन्नी जामा मस्जिद की बुनियाद आज हजरत मोइन मियां साहब ने रखी है। इस मौके पर पहले दुआ मांगी गई और उसके बाद ईंट रखकर सुन्नी जामा मस्जिद की बुनियाद हजरत मोइन मियां साहब ने रखी है। आपको बता दें कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास जो सुन्नी जामा मस्जिद थी ये धोखादायक हो गई थी और 24 सितंबर को मस्जिद को शहीद करने का काम शुरू किया गया था और मस्जिद के तामीर के लिए लोगों से अपील भी की गई थी, मगर अब सुन्नी जामा मस्जिद की तामीर का काम शुरू होने वाला है, जिसकी बुनियाद आज हजरत मोइन मियां साहब ने अपने हाथों से ईंट रखकर किया है। वहीं इस सुन्नी जामा मस्जिद के तामीर में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए रजा एकेडमी पर और अमरावती हिंसा पर पूछे गए सवालों के जवाब में हजरत मोइन मियां साहब ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। दोबारा संघ की बुनियाद रखी जा रही है और मतलब इसकी मरम्मत होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पुरमुसरत मौके पर? काबिले मुबारकबाद हैं सुन्नी जामा मस्जिद की तामीर व तौसीन कराने वाले वो लोग जिन्होंने अल्लाह की घर की तामीर में हिस्सा लिया और यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर की तामीर के लिए अल्लाह गैब से असबाब पैदा फरमाएगा, हालात पैदा फरमाएगा, ज़राए पैदा फरमाएगा, वसाइल पैदा फरमाएगा। अभी ज़रूरत थी इस तामीर व तौसी की, जिस तरीके से मुमरा की आबादी बढ़ती जा रही है और ये जामा मस्जिद मरकज़ी मस्जिद थी, इसकी तामीर व तौसी की सख्त ज़रूरत थी। हजरत हम देख रहे हैं कि अवामुन्नास जो है खास मुसलमान दुनिया परस्ती में ज़्यादा मैं होते चले जा रहे हैं, जबकि तकाजा जो हालात हजरत चल रहे हैं तकाजा कुछ और है, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस पुरमसरत मौके पर? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बेहयाइयों और बुरी बातों से रोकती है। तो यकीनन जब इंशाअल्लाह हमारे घर का बच्चा, हमारे घर का बुजुर्ग, हमारे घर का जवान नमाजी होगा तो हर तरह की बेहयाई और बुरी बातों से रोका रुकेगा। मस्जिद की तामीर को लेकर क्या कहेंगे? मस्जिद की तामीर को लेकर यही अपील है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, इस मस्जिद की तामीर व तौसी में ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और अल्लाह उसका अजर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हजरत। 12 नवंबर के रजा अकादमी के बंद की अपील पर नांदेड़, अमरावती, बीड़, परभनी में इंतजार हुआ, जवाबी कार्रवाई के मोर्चे निकाले गए और अब रजा अकादमी को टारगेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि रजा अकादमी पर बैन लगाया जाए, तो एक एक करके जितने भी मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है या समाजी ऑर्गेनाइजेशंस है वो इनके अब निशाने पर आते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, होम मिनिस्टर ने तहकीकात का हुक्म जारी किया है, तहकीकात होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। हमारा खुद अपना मुतालबा है, हमने होम मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट का स्वागत किया है, इस्तकबाल किया है जिसमें उन्होंने तहकीकात के लिए फरमान जारी किया है। जब तहकीकात हो जाएगी तो शरपसंद अपने आप पकड़े जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। हजरत, जैसे अमरावती में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है 12 नवंबर के मोर्चे के दौरान जो है स्टेशन की जो दीवार थी उसकी आड़ से मुस्लिम मोर्चे के ऊपर पथराव किया गया था पहले और उसके बाद थोड़ी सी कुछ वहां पर जो है इंतजार वाली चीज़ें हुई, थोड़ा बहुत जो है तोड़फोड़ की वारदातें हुई, तो उस वीडियो को लेकर के जो कि काफ़ी वायरल भी हुआ है तो उस पर लेकर के जांच नहीं हो रही है, तो उससे लेकर के आप होम मिनिस्ट्री, राज्य सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार क्या अपील करेंगे उनसे? देखिए, हम यही मुतालबा बार बार करेंगे कि इसकी कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए और जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि कहीं कोई जब भी पुरअमन एहतजाज किया जाता है तो कुछ शरपसंद उसमें शामिल होते हैं और उस एहतजाज को ख़राब कर देते हैं और मुसलमानों की छवि को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज था और संविधान के दायरे में रहते हुए वो एहतजाज था, मुल्क की जमहूरियत में हमको एहतजाज करने का हक़ हासिल है और हमारा एहतजाज जो था वो डेमोक्रेटिक एहतजाज था, उसको मुतासिर करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए कुछ शरपसंदों ने कोशिश की। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और वो शरपसंद जिन्होंने फसाद करने की साजिश की, फसाद में हिस्सा लिया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हजरत, SIT की रिपोर्ट अमरावती की गार्जियन मिनिस्टर है पालक मंत्री कांग्रेस की MLA यशोमती ठाकुर, इन्होंने दो दिन पहले बहुत सारे साइबर सेल के रिपोर्ट्स बताए कि किस तरीके से सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, बहुत सारी पोस्ट जो है एक दिन पहले वायरल की गई,
12 नवंबर के मोर्चे को लेकर की भी की गई थी और 13 नवंबर का जवाबी जो भारतीय जनता पार्टी का कॉल था उसके मोर्चे को लेकर के भी की गई थी। तो इतने सारे सबूत सामने आने के बाद भी क्यों महाविकास आघाड़ी सरकार कार्रवाई करने में आगे पीछे हो रही है? देखिए, अखबार के जरिए जो खबरें आ रही हैं उसमें कार्रवाई दिखाई दे रही है, लेकिन हमारा मुतालबा है कि और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बाकायदा इसकी तहकीक इतनी ज़ोर शोर से होनी चाहिए कि आइंदा कोई पुरअमन एहतजाज को मुतासिर करने की कोशिश ना करे। हजरत, त्रिपुरा में जो वकील और जो जर्नलिस्ट गए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के, उन पर UAPA के तहत जो है कार्रवाई की गई, और अमरावती दंगों में जो भी पकड़े गए एक ही दिन में जमानत हो गई। इतना बड़ा फर्क है कानून की कार्रवाई का, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कानून अपने हिसाब से काम करता है। हमारा मुतालबा बस ये है कि इंसाफ के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जो फर्जी गिरफ्तारियां हो रही हैं और नाम निहाद लोग जो है वो उल्टी सीधे बयान दे रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।